सही है अभी इंटरेस्टिंगली आपने जिक्र किया पॉलिटिकल प्रोसेस का वो सब चीजों का अभी इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है मुफ्ती दे नहीं है अलहमदुल्ला बचत हो गई है उन बेशर्मों की नहीं सर किस चीज को हल्की सी भी अभी रमक बाकी है मैं कैसे बताऊँ आपको जब आपको पता चल जाए कि वो चीज ईवल है जो चीज जनरेट ही ईवल करेगी ठीक है जिस चीज से ईवल ही बाहर आना है जिसकी सोर्स में भी ईवल है सारे ईवल हैं उनका बच्चे भी ईवल पैदा हो जाना है मतलब डेमोक्रेसी की कर। उसका हिस्सा बन जाना समझ तो रहे जैसे वो क्रेडिट कार्ड वाले नहीं आपके पास आते तो वो कहते हैं सर मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा प्लीज आप हे क्रेडिट कार्ड यूज ना करना तो मैं यही कहता हूं कि बेटा मैं उस साइंस है ना उस सिस्टम का हिस्सा बन रहा हूं तेरे जो टारगेट है ना असल में वो तुझे बता देता हूं उसका मैं हिस्सा हूं हमें बिल्कुल इस तरीके से मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो वोट कास्ट करने के लिए बातें कर रहे हैं ना यू कुड हैव मेड अ बिगर एंड बेटर चेंज आपको एक चला हुआ कारतूस मिला हुआ है और जान के आपने आंखें बंद की उसको चेंबर में डाल के फिर बार बार यू you नो know, ट्रिगर दबा रहे हैं यू कैन मेक दैट बिगर चेंज एंड यू शुड एवरी मुस्लिम इज अ बॉर्न पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के नहीं अगेंस्ट में इस तरह की दो दोनों के अगेंस्ट हूं अगर एक ट्रांजिटरी प्रोसेस क्रिएट किए जाए जो कि मैं आपको किसी दिन बता दूंगा लंबी बात है तो फिर मैं डेमोक्रेसी को भी इंस्टॉल करने के लिए तैयार हूं इस्लाम में भी अगर सारे मोमिन हो जाए तो डेमोक्रेसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर हमें पता है कि हंड्रेड परसेंट कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल इकट्ठे हुए हैं हंड्रेड परसेंट गारंटीड है से नबी इस्लाम ने डील नहीं की कभी कॉम्प्रोमाइज थे और ना डील करने में तो कोई मसला नहीं था सोलर देहबिया में क्रैशियों से डील कर ली थी क्रैशी कॉम्प्रोमाइज नहीं थे ठीक है डील करने में नहीं मसला जब आपको पता है कि ये पूरे के पूरे इंडिविजुअल्स कॉम्प्रोमाइज हैं तो फिर अब तो फलस्तीन के बाद तो मैं तो वैसे भी इस पूरे सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ तकूत का सिस्टम मानता हूँ अब तो फुरकान क्लियर अब कौन सा इंसान शूर की हालत में बाकी है कि जिसके सामने मौलवी का चेहरा क्लियर नहीं हो गया और यह हुकूमती आर्मी और सिविल दोनों का चेहरा क्लियर नहीं हो गया कौन सा शऊर वाला मुसलमान है आप मुझे बताए ना इज देर ए लिविंग ह्यूमन बींग हु कैन थिंक राइट नाव हु दो नंबर डेफिनेशन दी थी इन्होंने इस्लाम इन की भी और इन्होंने ये पॉलिटिक्स की भी दो नंबर डेफिनेशन दी थी ये गैरत के खिलाफ बात थी गैर मुसलमों को क्लियर हो गया है हमें नहीं क्लियर हो रहा लेकिन सर फिर भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग थोड़ा सा जो सिस्टम में रहते हुए या वोट की पर्ची में अगर कर अभी करंटली सर एक में करंटली लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर दे दी जाए तमाम पार्टीज को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड जो जेल में वो जेल से बाहर आ जाए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो फिर तो प्रैक्टिकल सिस्टम सबसे ज्यादा यही नहीं है कि सबको जो है वो अपनी मर्जी की मतलब क्यादत आप उसमें कह कि बेहतर को चूज कर लें कोई जो लीडरशिप बेहतर चूज कर लें इनको आप चूज ना करें चले कारतूसों को वोट के थ्रू को बेटर लीडरशिप चूज कर लें तो वो सर ज्यादा अर्जेंटीना में एक दफा

अर्जेंटीना में हड़ताल हो गई कि ये हम नहीं होने देंगे और लोगों ने अंडे लेने बंद कर दिए असली वाक्य पढ़िएगा लिटरेचर पब्लिश है पता नहीं आप किस यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा नहीं है मैं बिल्कुल आप कह रहे हैं सच्चा होगा कौम ने सिंपल अंडे लेने बंद कर दी और हुकूमत ने फिर क्या किया हुकूमत ने एक्शन लिया कि भाई ये तो ये तो बड़ा मसला है जागी भी कौम है ना अपनी करंट दिखा देती होती मैं आपको ये बता रहा हूं जमात इस्लामी ओके फजलान की जमात जे यू आई जे यू आई और टी एल पी टी एल ये तीन मौलवियों की जमातें हैं ना चौथी दुनिया को बिस्तरी में कर रहा हूँ और भी होंगे लेकिन मेन स्ट्रीम यही ये हैं तीन मुजरम बाकी बाकी तो कभी इस्लाम का नाम भी नहीं लिया तो कैसे कर सकते हैं अब इन तीनों को हालांकि बहुत डिफरेंसेस हैं कुरान लेकिन लेकिन में रखा हुआ है वरना मैं ना इनको मुजरिम कहता जिस बंदे ने कुरान का क्लेम नहीं किया उसको मैं ला इक दीन के लकूम दीन उकूम वली दीन के उसूल में छोड़ देता हूँ यार तुम लोगों ने खुद कहा है कि गौरव की पूजा करनी है तुमने मुजरिम आपने इस्लाम के नाम पे बच्चों को कन्फ्यूज किया है समझ रहे हैं प्रॉब्लम मेरे से बड़ा मधूदी का फॉलोअर कोई नहीं है आई स्टिल थिंक दिस इज बुलेट एंड मिस्टेक कि जो शख्स कहता हो कि सर मेरा इस्लाम से कोई मैं नाम का मुसलमान हूँ बाकी सब गौरवला काम करने आया हूँ मैं उनसे तो मैं नहीं एक्सपेक्टेज तो रखना बेवकूफ़ी है जो बंदा कुरान का नाम लेके इस्लाम के बैनर लगा के वो वाले नहज के ऊपर हमें डाल दे जिसमें इस्लाम खराब तो हो सकता है ग्रोथ की तो बहुत दूर की बात है खराबी की तरफ तो लेके जा सकते हैं हम लोगों का दीन भी खराब करेंगे और लोगों का इनफरादी मामला भी ख़राब कर देंगे जो मजहबी अमूर हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ you know, हो जाएंगे तो लोग समझेंगे कुरान में अलाउंस है आप इस वक्त फलस्तीन में क्या चल रहा है आपको पता है ना इसका कसूरवार कौन है इसराइल अमरीका बिल्कुल सीरियसली यू थिंक अमरीका इज़ डूइंग दिस ट नहीं, नहीं सर क्या हो गया आपको मुसलमान इज द मेन कल्परेटर सोचे मैं अगर अभी आपको पकड़ लूँ और आपका भाई कुछ भी ना करे इज द कल्परेट मैं आपको इसलिए दस्तराजी नहीं करूंगा आपके पीछे बंदे खड़े में होंगे एका होगा आपकी कौन है मुसलमान मौलवी ने प्रूव कर दिया कि हमारे दीन में हमारे बच्चे मरने अल्लाह समझ रहे और बैस के सिनारियों के अंदर में रोड पे आके मातम करूंगा रोड पे आके मातम कौन करता है कि मेरे साथ जुल्म हो गया वरना मैं इसके अलावा इस्लाम में कुछ नहीं कर सकता